वहीं चलते हैं सीधे अशोकनगर मुंगावली, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज दौरा है, जहां पर साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद हैं। आप सबको मालूम है कि जिस सरकार को महाराज ने बनाया, महाराज के नाम पर जो सरकार बनी, आप सब भली भांति जानते हैं कि आपने महाराज का चेहरा देखकर और कांग्रेस की सरकार को वोट दिया था, कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन साथियों, जो आप सब ने उम्मीद की थी हमसे और महाराज साहब से, उस पार्टी ने और उस सरकार ने हमारे साथ तो ठीक है, लेकिन आप सब सबके साथ भी धोखा किया, पूरी मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा दिया। साथियों, ऐसी सरकार जिसने वादा किया था कि किसान का कर्ज माफ करेंगे 10 दिन के अंदर, अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं कर पाए तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं दे पाए तो 4000 रुपया महीना भत्ता देंगे बैठे बैठे, हमारी बच्चियों के खाते में जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से जो भाव होते हैं 25,000 से 51,000 रुपए किए, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं उनके खाते में डला। ऐसी बहुत सारी घोषणाएं की थी उस कांग्रेस की सरकार में, तो जो एक भी घोषणा पूर्ण नहीं हुई। और जब महाराज ने कहा कि कमलनाथ जी, जो हमने घोषणा को वचन पत्र दिया था, अभी तक एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। जब मैं क्षेत्र में जाता हूं, आप तो जाते नहीं है, आप तो केवल मुख्यमंत्री निवास और छिंदवाड़ा, लेकिन मैं जाता हूं क्षेत्र में, जनता मुझसे पूछती है इनकी मांगे पूरी करो, और अगर आप नहीं कर सकते तो मैं जनता के साथ में सड़क पर उतर जाऊंगा। लेकिन साथियों, वो घमंडी कमलनाथ जी तो समझते थे कि सिंधिया जी क्या करेंगे, मेरा क्या कर लेंगे सरकार का, तो महाराज ने कहा अगर आप जनता की मांगे पूरी नहीं करोगे तो मैं जनता के साथ में सड़क पर उतर जाऊंगा। लेकिन साथियों, आप सबने देखा होगा और सुना होगा, तो कमलनाथ जी ने कह दिया कि सिंधिया को उतर ना उतर तो जाए, लेकिन हमने कहा महाराज अब तो बहुत हो गई, अब तो ये लोग मतलब जनता का तो काम कर ही नहीं है, साथ में आपकी और हमारी भी बेइज्जती कर रहे हैं, कल हम जनता के बीच में जाएंगे क्या जवाब देंगे। तो महाराज ने कहा चिंता मत करो, सड़क पर अपन नहीं उतरेंगे, सड़क पर अपन कमलनाथ जी को उतारेंगे। और आज पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस की पार्टी सड़क पर घूम रही है। और साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बाद में मेरा उपचुनाव हुआ था और जितनी घोषणाएं की थी केवल उन्हीं घोषणाओं का पूरी विधानसभा में काम हो रहा है। महाराज साहब बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं इन्होंने दी थी, तब हम लोग विपक्ष में थे, सारी योजनाएं इन्होंने जितनी घोषणा की थी सारी घोषणाओं के काम हो रहे। एक जो राजघाट नहर परियोजना, महाराज 100 करोड़ उससे लाभान्वित हो रहे, 443 करोड़ रुपया के लिए वो योजना है। आज पिपरई की बात करें, पिपरई में पहले तहसील बनाई पिपरई को, इसके बाद यहाँ पर पानी की समस्या थी, यह गांव में खारा पानी निकलता है, 4 करोड़ रुपए की योजना नल जल योजना दी, आज पूरी पिपरई के लोग मीठा पानी पी रहे हैं। और इस पिपरई को नगर पंचायत बनाया, और जब कांग्रेस की सरकार आई तो कमलनाथ जी ने इसको नगर पंचायत को भी खत्म कर दिया, लेकिन जैसे ही दोबारा माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने उसके तुरंत बाद उन्होंने पिपरई को फिर से नगर पंचायत बना दिया। साथियों, अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर पाते तो कम से कम बुरा तो मत करो किसी का, अगर हम कुछ दे नहीं पाते तो किसी का छीनो तो मत कम से कम। लेकिन वो कांग्रेस की सरकार ऐसी सरकार थी कि दे तो कुछ नहीं पाए परंतु छीना सब गरीबों का, आज तक 1 रुपए का लाभ नहीं मिला। और जैसे ही शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने तुरंत ही 2,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला था, और इसके बाद जब मुंगावली में कार्यक्रम हुआ था 14 तारीख को, और 18 तारीख से
6,800 करोड़ रुपए फिर किसानों के खाते में डाल दिया है। साथियों ऐसे कहते कि ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जिसको किसानों की चिंता, गरीबों की चिंता। अगर मैं योजना गिनाऊंगा 225 करोड़ के महाराज साहब, 225 करोड़ रुपए के भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं। मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतनी सौगातें दुवाली विधानसभा के लिए मिलेंगी। साथियों उस सरकार में मैं एक भी काम नहीं ला पाया एक रुपए का, और जैसे ही मैंने महाराज साहब से निवेदन किया कि महाराज साहब वो सरकार ने तो कुछ नहीं दिया था, लेकिन अब इस सरकार में कुछ विकास कार्य मांगना चाहता हूँ। महाराज ने कहा ब्रजेन लिस्ट बना लो कम से कम 100 करोड़ की। मैंने कहा महाराज 100 करोड़ इस सरकार में तो 1 करोड़ भी नहीं मिली। तो साथियों 100 करोड़ नहीं 225 करोड़ रुपए की सौगात दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उन्होंने कहा किसी बात की चिंता मत करना, जो भी बड़ी से बड़ी मांग और छोटी से छोटी मांग होगी मैं जरूर मोहाली विधानसभा की पूरी करूंगा, कोई कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। साथियों आज महाराज साहब का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है।